रायपुर में कांग्रेस पार्टी ने केंद्र सरकार के खिलाफ राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें सदन से सड़क तक केंद्र सरकार के जन विरोधी नीतियों और महंगाई के खिलाफ कांग्रेसी आवाज बुलंद करते हुए ये प्रदर्शन किया गया, जिसके बाद राजभवन का घेराव कर राष्ट्रपति को राज्यपाल के माध्यम से ज्ञापन सौंपा। इस प्रदर्शन में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम, अमरजीत भगत, शकुन डहरिया सहित कई कांग्रेस के पदाधिकारी मौजूद रहे, जिसे लेकर संवाददाता चित्रा पटेल ने कांग्रेस के पद अधिकारियों से चर्चा की। सड़क से सदन तक केंद्र सरकार के खिलाफ आज बड़ी प्रदर्शन कर रही है, महंगाई के लेकर कई मुद्दों को लेकर आप लोग आज बुलंद के साथ। मोदी जी कहते थे खाऊंगा ना खाने दूंगा, सचमुच में उनकी बात सही साबित हो रही है। आज आजादी के 75 साल बाद पहली बार ऐसा हुआ है, अनाज में जीएसटी, दूध दही पनीर में जीएसटी, जो दूध है, जो बच्चों का निवाला भी छीनने का काम मोदी सरकार कर रही है। जिस तरह से ईडी के खिलाफ में आप लोग प्रदर्शन भव्य रूप से किए थे, उस रूप में आज क्यों नहीं किया जा रहा? अरे बाबा, इतना बड़ा ऐतिहासिक वो ईडी के खिलाफ हमने धरना दिया, पूरे छत्तीसगढ़ से आए, किसान से लेके मजदूर से लेके व्यापारी से लेके कांग्रेस के सभी मोर्चा प्रकोष्ठ कार्यकर्ता। आप लोग केंद्र सरकार के खिलाफ में एक बड़ी प्रदर्शन कर रहे हो। जी, आज देश जिन परिस्थितियों से गुजर रहा है, आम जन मध्यम वर्गी के ऊपर जो महंगाई की मार पड़ रही है, आवश्यक वस्तुओं में, रोजमर्रा की वस्तुओं पे जीएसटी लगा के महंगाई बढ़ा दी गई है। एक वो चाहे रसोई में डाका डालने वाली बात हो, चाहे अब तो बच्चों के जो पेंसिल रबर है उसमें भी महंगाई बढ़ा दी है और जीएसटी थोप दी है। तो हम राजभवन अभी जाएंगे राष्ट्रपति के नाम पे, इसके खिलाफ में, मोदी सरकार के खिलाफ में हम